ओके, तो सैटरडे का मार्केट है, फिर भी कोई बात नहीं, लाइव ट्रेड करेंगे, ओटीसी को ट्रेड करेंगे, ठीक है, बैक टू बैक ट्रेड करेंगे। 90 डॉलर, 99 डॉलर सिलेक्ट हो रखा है अमाउंट, इसी के साथ में ट्रेड करेंगे, ठीक है, पर ट्रेड अपना यही अमाउंट होगा और अच्छी एंट्री मिलेगी तो मल्टीपल ट्रेड भी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मैं पुट का सोच रहा हूँ, देखो पहले ट्रेड ले लेता हूँ फिर मैं रीज़न बताता हूँ आपको। थोड़ी सी बेहतर एंट्री चाहिए तो थोड़ा और ऊपर जाइए तो मैं पुट के लिए जाऊँगा, ठीक है। तो एंट्री ले ली मैंने पुट के लिए, श्योर शॉट विन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले से 3 बड़ी रेड कैंडल का सेलर प्रेशर था, ठीक है, मोमेंटम जिसको बोल सकते हैं या प्रेशर बोल सकते हैं, अच्छा खासा है, ठीक है, 3 कैंडल। फिर मार्केट आया एक अपने रेंज बाउंड जोन पे आया, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े से 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट बना, पहली मतलब थोड़ी पावरफुल थी तो उसकी पावर एग्जॉस्ट होते होते एक सेकेंड कैंडल वीक ग्रीन कैंडल बन गई। अब अगेन मार्केट अपने सेलर मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तो ये करेंट वाली भी रेड बनेगी और इसके नेक्स्ट वाली भी रेड बनेगी, तो लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे उस पर क्योंकि ओटीसी का मतलब ओटीसी ट्रेडिंग है और सेम पेयर को टारगेट नहीं करेंगे, सैटरडे का मार्केट है, फालतू में मैनिपुलेशन में फंस जाएंगे। कुछ बेहतर सा दिखे तो अगेन मैं एंट्री लेता हूँ, बेकार है ये भी। ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ले ली, ऑलमोस्ट कंपाउंड हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है। 299 डॉलर की मैंने पुट के लिए ट्रेड ले ली, थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मैंने मेंटेन किया। इसका रीज़न ये है कि ये जो 3 ग्रीन कैंडल का मोमेंटम है, ठीक है, ये अभी पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, अभी एक डेड कैंडल पीछे बनी तो है बट ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हुआ नहीं है, तो ये एक वीक या वीक रेड या वीक ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मेंटेन किया है, तो हाँ विन हो जाएगी। ये देखो 2-1, परफेक्ट ट्रेड अपनी विन, ठीक है। हाँ देखो वीक ग्रीन बनी, ये यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा, फिर भी मैंने पुट के लिए एंट्री यहाँ पे ले ली, ठीक है, सिंगल ट्रेड ही ली है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्रीवियस में एक बड़ी रेड है, उसके प्रीवियस में भी सेम ऑलमोस्ट साइज की ग्रीन भी है, तो यहाँ पे सब इक्वल इक्वल चल रहा है और ग्रीन कैंडल भी इसके मतलब करंट वाली की पिछली कैंडल ग्रीन थोड़ी सी हेल्दी है बट फिर भी इंगल्फ है रेड में तो एक रेड कैंडल यहाँ पे होना चाहिए, बट देखते हैं। ये देखो ये तो सीधा सीधा जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इधर, कोई बात नहीं, इसका जस्ट नेक्स्ट जो होगा वो तो श्योर शॉट रेड बनेगा, ठीक है, उस पर मैं डबल ट्रेड का, ये थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहाँ पे मैं डबल ट्रेड लगाता हूँ। बड़ी बड़ी कैंडल थी ना तो थोड़ा सा मतलब पावर पूरी इंगल्फ होने के बाद भी पावर पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुई थी, ठीक है, तो निकल गई, बट अभी एग्जॉस्ट हो चुकी है कम्प्लीटली, तो अभी ये करंट वाली तो रेड कैंडल इसको बनना ही बनना है, इसमें कोई एकदम संदेह है ही नहीं, ठीक है। मैंने डबल ट्रेड ले ली, ये एकदम श्योर शॉट विन चली जाएगी, अपना प्रीवियस वाला जो एक लॉस बन गया वो अपना रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं फिर, एक ट्रेड और करूँगा उसके बाद हो जाएगा ऑलमोस्ट 100% का कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। 350 के आसपास का था जब मैंने स्टार्ट किया और अभी 700 के आसपास हो चुका है, तो कुछ बढ़िया सी एंट्री मिलेगी तो मैं एक दो ट्रेड और करूँगा, ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा अपना, 100% ऑलमोस्ट 100% से ऊपर के कैपिटल गेन हो जाएगा, तो बस स्टॉप कर देंगे, एक ट्रेड अभी और करूँगा। ओके,
कोई लाइन नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट कैंडल और चार्ट। अभी बस एक अच्छी एंट्री मिल जाए इधर, जो कि लग नहीं रही है कि इधर मिलेगी। हम यहाँ पे मिल सकती है, हाँ कन्फर्म। ठीक है, तो मैं कॉल के लिए दो एंट्री ले ली। ठीक है, कॉल के लिए मैंने दो एंट्री ले ली, मतलब वेबसाइट के लिए 99 डॉलर की, मतलब $99 की दो ट्रेड मैंने ले ली। ऑलमोस्ट $200 का इन्वेस्टमेंट हो चुका। श्योर शॉट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस रेंज को ब्रेक करेगा, एकदम श्योरली ब्रेक करेगा। तो ये अपनी ट्रेड, ये भी अब एकदम श्योर शॉट हो जाएगी, और इसी के बाद हम अपना सेशन बंद कर देंगे, क्योंकि अपना अच्छा खासा कैपिटल गेन हो जाएगा 100% से ऊपर का, वो भी सैटरडे की OTC ट्रेडिंग में। ठीक है, बिना किसी लेवल के, बिना किसी लाइन के, बिना किसी इंडिकेटर, कुछ नहीं, जस्ट कैंडल और मार्केट 5 से 6 मिनट के अंदर। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे $872 का अपना बैलेंस हो चुका है, ट्रेड अपनी विन। ठीक है, अच्छा खासा कैपिटल गेन हो चुका है। ये अभी देखते हैं अपनी ट्रेड हिस्ट्री। ये देखो ट्रेड हिस्ट्री के साइड में, इधर देखो, मतलब OTC का जो कैंडल्स बनी हुई थी रेड के लिए, वो सब गायब हो चुकी। मतलब देखो कितना सारा गैप। और ये अपनी ट्रेड हिस्ट्री। ओके, तो और जो भी नए लोग देख रहे हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शोर शॉर्ट सिग्नल मंडे से स्टार्ट हो रहा है लाइव मार्केट से। ठीक है, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि बहुत सारा फुल पैक ऑफ नॉलेज का कंटेंट आने वाला है, मतलब बहुत सारा। अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब लर्निंग पे फोकस होगा, जो चीज़ें मतलब आपको पेड कोर्सेस में नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं फ्री में अपने YouTube चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है, तो जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियोस डालूंगा। ठीक है, हर एक चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इंडिकेटर से लेके आपको प्रो लेवल तक की जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, ठीक है, वो हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। जस्ट स्टे कनेक्टेड। ओके, ये रहे अपनी ट्रेड हिस्ट्री, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं मंडे को अपनी VIP में। ठीक है, बाय बाय।